शहर के लोगों को पक्की गलियां, बरसाती व गंदे पानी की निकासी जैसी सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता को लेकर निगम करनाल दृढ़ संकल्प है। इसी कड़ी में गुरुवार को महापौर करनाल रेणु बाला गुप्ता ने वार्ड नंबर 7 के पार्षद सुदर्शन कालड़ा व वार्ड नंबर 10 के पार्षद वीर विक्रम कुमार की उपस्थिति में शिविर के गंदे पानी की निकासी की पाइपलाइन डालने के कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर जेई लक्ष्य शर्मा भी मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि सीवर लाइन डालने का कार्य नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र का गंदा पानी बरसाती पानी की पाइपलाइन में जाता था, जिससे बरसात के मौसम में यह नाला ओवरफ्लो होने लगता था, जिससे गलियों में पानी भर जाता था और यहाँ के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नागरिकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अलग से सीवर की पाइपलाइन डालने का काम शुरू कराया गया है। मेयर ने बताया कि यह पाइपलाइन मीरा घाटी चौक के निकट स्थित सैनी ढाबा के सामने जाने वाली सड़क पर डाली जाएगी, जिसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर तथा मोटाई 12 इंच की रहेगी। इस पर अनुमानित 19,40,000 रुपये की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन डालने के तुरंत बाद इस पर सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़क बनाई जाएगी। सड़क के कार्य के साथ साथ इसकी सेंट्रल वर्ज बनाई जाएगी, जिसमें खूबसूरत पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर नितिन कालड़ा, विनोद गुप्ता, कालू भास्कर, नागपाल, सीताराम एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। शहर की सबसे व्यस्तम रोड मायापुरी रोड पे आज यहाँ सीवरेज लाइन का पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। हमारे पार्षद भाई सुदर्शन कालड़ा जी ने यहाँ जिस तरह की समस्या बताई थी कि जो पीछे सैनी ढाबे के आगे बड़ी लाइन डालने के बाद यहाँ छोटी लाइन में दिक्कत आने लगी थी और इस रोड का भी निर्माण कार्य शुरू होना था, उससे पहले ही हमने सोचा है कि इस समस्या को भी दूर कर दे ताकि आने वाले समय में लोगों को दिक्कत ना हो। इस मौके पर हमारे साथ हमारे पार्षद भाई वीर विक्रम जी, हमारे विनोद भाई साहब और सभी सुशील जी यहाँ पर सभी मौजूद हैं। सबसे एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़ी व्यस्तम रोड है, अपने अधिकारियों को भी कि यहाँ के लोगों को कम से कम असुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम और कम समय में हो सके, इस बात के लिए वो करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर तरह से विकास के व्यवस्था से कहें, हम व्यवस्था की दृष्टि से कहें या सत्ता की दृष्टि से कहें, हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और लोग हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।